पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर मैडम महबूबा मुफ्ती जी की आज कोई स्टेटमेंट आई या कोई बयान आया कि इल्हाक नाजायज है, 370 से हमें सब कुछ छीना गया, या इस प्रकार के जो भी बयान आता है। सबसे पहले मैं तो कोई ज़्यादा इस पर कहूँगा नहीं टिप्पणी कोई ऐसी। मैडम को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहती है कि मुझे इख्तदार दो, मे दी इख्तदार, मुझे सत्ता में लाओ। कौन लाएगा सत्ता में? इस प्रकार के बयानात देके लोगों की नोटिस में रहना, ये मुझे लगता है कि ये सियासत की, ये राजनीति की बाउंड्री को क्रॉस करना इल्हाक नाजायज है। किन्हीं शर्तों पे किया था? इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आज मैडम की तरफ से आए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो पॉइंट्स बताए जाए, वो शर्तें बताई जाए, कौन सी शर्तें थी और उन शर्तों को खोखला किसने किया? क्या आपको नहीं पता? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतनी देर से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि उनके वालिद साहब जिस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में, उसको खोखला उन्होंने ही किया था, उन शर्तों को उन्होंने ही समझौता किया था। भारतीय जनता पार्टी सीधे सामने से वार करती है। हमने ये कहा कि हम 370 हटाएंगे, उस 370 के पैकेट में जो था वो तो पहले उन्होंने, जिसमें उनके वालिद साहब थे उन्होंने हटाया था, उस पैकेट को हटाने का काम बाहर से हमने किया, उस पर हमें गर्व है। तो इस बात का उनको जवाब देना होगा कि जिस कांग्रेस में वो खुद रहीं, उनके वालिद साहब रहें, पहले तो जो छीना जपटी हुई है 370 की, वो सवाल उनसे पूछे। वो दूसरी बात, 370 वो कहते हैं कि भाई 370 एब्रोगेट हुआ, हाँ हमने एब्रोगेट किया। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने इल्हाक हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया था, बीजेपी के साथ नहीं किया, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा, इसमें कोई शक नहीं, भारत के साथ जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ है, लेकिन 2016 में आप बीजेपी के पीछे क्यों दौड़ते थे दिल्ली में, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ? बीजेपी के साथ इल्हाक तो आपने किया ना, जब आपने बोला मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, 2-3 महीने तो आप रूठ के बैठे थे, उसके बाद फिर क्यों बन गए? तो आपके पास मॉरल हाईग्राउंड्स नहीं है कि आप कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ इल्हाक नहीं हुआ है। बिल्कुल हम भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर का इल्हाक बीजेपी के साथ नहीं है, भारत के साथ है, लेकिन आपकी पार्टी का इल्हाक आप खुद करने आए थे दिल्ली में भाजपा के साथ, इसलिए आपके पास वो मॉरल हाईग्राउंड्स नहीं है। जहाँ तक बात आती है आज, जी जहाँ तक बात आती है, जवानों की बात करते हैं, जवान इधर हैं, जवान वो किए हैं, मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा 2016 के वो घटनाक्रम, जवाब देना, आप उनसे सवाल पूछो, कहाँ गए 116 लाशें? क्या उनका जवाब इनको नहीं देना होगा? ये तो चीफ मिनिस्टर थी, निहत्थे लोगों पे गोलियां तो तुमने चलाई। इसके बाद कत्लोगारद मौलाना उमर का कत्ल कब हुआ? तब होम मिनिस्टर कौन था? तब सत्ता में कौन था? उसका जवाब कौन देगा? गौ कदल का मैसेकर कब हुआ? उसका जवाब कौन देगा? तो ये सवाल इनके सामने, इनके पास मुझे लगता है कि इन बयानात के अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, इनका काडर खत्म हो चुका है, और इसी प्रकार की हरकतों से इनके अपने लोग इनको छोड़ रहे हैं। उनको पता है कि ये जो इस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा है, ये न जम्मू कश्मीर के हित में है, न भारत के हित में है, इसीलिए इनको अपना काडर छोड़ रहा है। ये बौखलाए हुए हैं, अब ये कहते हैं कि भाई मेरा बंगला मुझे छीना जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इतने आपके पास हिम्मत थी तो आपने आज से 4 साल पहले छोड़ना था, 4.5 साल पहले आपकी चीफ मिनिस्ट्री गई, आज तक आप कैसे रहे? तो कहीं ना कहीं ये दोहरापन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब बर्दाश्त करने वाली है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।